मित्रों, आज हम चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके एक आठ भुजा वाला ऑक्टेगनल मग बनाएंगे, पर इतना ध्यान रखिए कि उसमें आप कॉफी ना पिए। इसके लिए आपको 27 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा एक चार्ट पेपर चाहिए। उसकी लंबाई पे आप 3 सेंटीमीटर चौड़ी रेखाएं बनाएं और नीचे से एक 6 सेंटीमीटर पर एक रेखा बनाएं। उसके बाद में सारी जो खड़ी और लेटी लाइनें हैं उनको आप अच्छी तरह से क्रीज करें। देखिए, क्रीज करने के बाद में आपका मॉडल कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद में एक साइड का जो छोटा आयत है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, उसको काट के निकाल दें। बाकी जितनी भी रेखाएं हैं 6 सेंटीमीटर लंबी, उनको कैंची से काटें। इन सब से हमारे मग का आधार बनेगा। आप इनको ऊपर उठा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में आप अपने मग को सजाने के लिए उसकी ऊपरी भुजा के ऊपर ये पीले रंग का सेलो टेप लगाएं। फिर इस पूरे मॉडल को आप एक सिलेंडर जैसे बेलनाकार आकार में मोड़ें और शुरू और अंत के जो आयत हैं उनको गोंद लगा करके आपस में चिपका दें। इससे एक ऑक्टेगनल, एक बेलनाकार सिलेंडर जैसा बन जाएगा। उसके बाद जो नीचे की के कटे रेक्टेंगल हैं, आयत हैं, हर एक पर आप गोंद लगाएं और उसके ऊपर दूसरी पट्टी को चिपका दें। फिर गोंद लगाएं, तीसरी पट्टी को चिपका दें। इसके बाद इस तरह से एक के ऊपर एक करके आप सारी पट्टियों को चिपका दें। इस तरह से ये आधार बन जाएगा आपके मग का। मग को और सजाने के लिए आप एक पट्टी लें, पट्टी पर भी गोंद लगाएं और उसे मग पर चिपका दें, तो ये मग का हैंडल बन जाएगा। इससे मग एकदम सजीव हो उठेगा। आप चाहें तो इस मग को सितारों से सजा सकते हैं। ये मग चाय पीने के या कॉफ़ी पीने के लायक तो नहीं है, पर इसमें आप पेन पेंसिलें वगैरह रख सकते हैं या अपने मित्रों को भेंट दे सकते हैं।